देखिए, एक तो हमको पाइथागोरस प्रमेय को समझना बहुत आवश्यक है। इसके आधार पर मैं कुछ ये बताना चाहूंगा। ये त्रिभुज है, पिंटू जी दिखाई दे रहा है? नहीं मैं दिखाई नहीं दे रहा था, लिखा हुआ कम दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा? इसको कलर कम कलर करके कम है, देखो। रेड कम है। नहीं दिखाई दे रहा? पेन पेन के पास दिख रहा है सर, लेकिन थोड़ा दूर दिख दिख रहा है। रहा है, बस बहुत है, चलिए देखता हूँ इसको। देखिए, ये देख रहे हो आप, दिखाई दे रहा है बिंदु सर, ओके, ठीक है जी? ये सर। हमारा ट्राइंगल है। ट्राइंगल हम वहां से भी ले सकते हैं, शेप में से ले सकते हैं ट्राइंगल, ये वाला। लेकिन चलो मैंने ये बना दिया। हमारा किस किसी भी ट्राइंगल में क्या होता है, देखो ट्राइंगल क्या है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति होती है, यदि उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री बहुत मोटा हो गया, इतना बहुत है। देखिए, एक कोण यदि 90 डिग्री है ना, तो इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लाओ। यहाँ से ऊपर देखिए, ये हमारा त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि त्रिभुज जो तीन भुजाओं से घिरी आकृति होती है, नंबर वन। नंबर दो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और यदि किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण है, तो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण ये वाला कोण है, इसके सामने की भुजा एक कर्ण कहलाती है। कर्ण अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूज, जिस पर पूरा त्रिभुज टिका होता है, इसको हम बेस कहते हैं। हिंदी में आधा, बहुत मोटा। ये जो भुजा है दूसरी चीज, इसको हम लंब कहते हैं। लंब, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को ऐसे ही देते हैं। ठीक है, इस एंगल के लिए थीटा, ये एंगल थीटा है, इसके लिए साइन थीटा बराबर ये ए बी सी, साइन थीटा बराबर है ए बी बटे ए सी। क्या है? यानी कि लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर बी सी बटे ए सी, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और यह है लंब बटे कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है ए बी बटे ए बीसी, ए बी बटे बी सी। यहां पे लिख देता हूं, टेन थीटा क्या लिख दे रहा हूं, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। बिल्कुल जी दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? क्या दिखाई दे रहा सर, दिखाई क्लियर हो? रहा, दिखाई दे देखिए, मैं रहा सर। आपको दोबारा से बताता हूँ, थोड़ा इसको बदला कर दे रहा हूँ। अब मैं सारी संबंध यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए, ये हमारा त्रिभुज है, ये एंगल थीटा है, ए बी सी, ए बी सी ये 90 डिग्री का कोण है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, दिखाई दे रहा है? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये सब आपको पता होना चाहिए। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक ऑटोमेटिक हो जाएगा, है, इधर क्यों ऑटोमेटिक जब कैसे इधर स्क्रीन से बाहर आ रहा, स्क्रीन से बाहर जा रहा, तो क्या फायदा है? सर वो चेंज टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा,
टेन थीटा कोण का क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा, आधार बटे लंबाई। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा का क्या हो जाएगा, करण बटे आधार। और साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ये क्या होता है, करण बटे लंबन। यानी कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, साइन थीटा, सॉरी यहां लिख रहा हूं, साइन थीटा बराबर वन अपॉन कोसेक थीटा, ये हमें पता होना चाहिए, या कोसेक थीटा बराबर वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये इन दोनों से पता चला, साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये बराबर। नंबर दो, कॉस थीटा बराबर वन अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर वन अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर वन अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर वन अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये समझ में आ रही है बिट्टू जी, दिखाई दे रही है, ये जी सर, क्लियर दिखाई दे रहा है। छह संबंध मैंने बता दिया आपके सामने। इसके अलावा एक है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो होता है, ये यहां से आ जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर हम कहेंगे साइन थीटा क्या है, लंब बटे करण, बटे कॉस थीटा क्या है, आधार बटे करण। करण से करण कट जाएगा, क्या बचा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होगा, टेन थीटा। इसलिए टेन थीटा बराबर एक तो संबंध नंबर ही आ गया, ये आ गया टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इतनी सारी चीजों के साथ मैं आपको आगे बताने का प्रयास करता हूँ। बस एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, इसको हम मिटा देंगे, इरेजर। क्लियर हो, क्लियर हो, यस। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज बताकर अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूँ, सॉरी हम आगे देखिए, ये मेरा त्रिभुज मैं फिर दोबारा बना रहा हूँ, और मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय, एबीसी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, एबी का वर्ग, ये भुजा एबी है, लंब का वर्ग। मतलब पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा क्या है, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण पर बना वर्ग, त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं, एक भुजा ये है एक भुजा ये है, त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंबों का वर्ग वर्ग का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको एसी स्क्वायर से भाग कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग बटे ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बटे ए सी का वर्ग। मैंने दोनों तरफ क्या किया, ए सी स्क्वायर से भाग कर दिया, बराबर ए सी का वर्ग बटे ए सी का वर्ग। ये एसी के वर्ग से एसी के वर्ग कट गया, बराबर बने वर्ग, ये एबी बटे एसी है, एबी बटे एसी लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, और वर्ग ये साइन थीटा का वर्ग हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीसी, बीसी क्या आधार, ये आधार, आधार बटे कर्ण, ये क्या हो गया कॉस थीटा, और ये आ गया साइन, ये कट गया वन। तो एक रिलेशन हमारा ये आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। यदि मैं इस इक्वेशन में बी सी स्क्वायर से भाग करूं तो क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग बटे बी सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बटे बी सी का वर्ग इक्वल टू ए सी का वर्ग
बटे बीसी का वर्ग। ए बी बटे बीसी क्या है? ए बी बटे बीसी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस बीसी बटे बीसी वन होकर कट गया। और ए सी बटे बीसी क्या है? ए सी बटे बीसी यानी कर्ण बटे आधार, ये क्या है? कर्ण बटे आधार क्या होगा? सेक, सेक स्क्वायर थीटा। एक रिलेशनशिप ये है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यदि मैं इसी इक्वेशन को ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग इक्वल टू ए सी के वर्ग, इसको यदि मैंने ए सी से भाग कर दिया एक बार बी सी से भाग कर दिया, अब मैं यदि ए बी से भाग कर दू ए बी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग इक्वल टू यहां भी ए बी का वर्ग, ए बी से ए बी ये कट गया वन प्लस ए सी, ये क्या है? बीसी बटे ए बी, बीसी बटे ए बी क्या है? बीसी आधार बटे ए बी लंब, ये क्या है? कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये क्या है? ए सी बटे ए बी, ए सी क्या है? कर्ण, ए सी बटे ए बी, ए बी क्या है? लंब, ये क्या हो गया? कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तीन रिलेशन है, ये तीनों को मैं दोबारा से यहां पे लिख रहा हूं, ये तीन रिलेशनशिप है मैं यहां पे लिखने का प्रयास कर रहा हूं दोबारा। तो इस तरह से है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, नंबर एक, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर थीटा, नंबर तीन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है? ये क्या? ये तीन रिलेशनशिप है। नहीं समझे? सही है ना? ये तीन रिलेशनशिप है, इन तीनों को याद कर लीजिए, बहुत फंडामेंटल फॉर्मूले है जो कि मैथमेटिक्स में और इंजीनियरिंग में बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी मैंने आपको सारे लिख दिए, एक मैंने लिख दिया साइन थीटा बराबर वन अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर वन अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर वन अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा बराबर वन अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर वन अपॉन कॉट थीटा, क्या सही नहीं आता है? और थीटा बराबर वन अपॉन टेन थीटा। ऋषभ जी वीडियो को थोड़ा सा विजुअल कैसे करें, दिखाई कम दिखाई, थोड़ा सा आप नहीं दे दिखाई दे रहा। और इसके अलावा एक रिलेशन में आपको ये बताया टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इतनी सारी जानकारी के साथ मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाता हूँ, इतनी चीज करना चाहिए हम यहां से करता हूँ, ठीक है? देखिए यहां से दिखाई देगा कहां से लगा आगे। इसमें सही नहीं है क्या होगा? देखिए पिंटू जी दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 233 के बारे में मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, लिखो अपनी कॉपी पे लिख लो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये लिखो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री या 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, दो चीज समझ मानिए आपके इस क्वेश्चन में जो क्या होगा हिंदी और अंग्रेजी में अंतर आ रहा है। अंग्रेजी में क्या कह रहा है? हाउ मेनी डिग्री इज इक्वल टू वन रेडियन, यानी कि एक रेडियन के बराबर कितनी डिग्री है, एक रेडियन के बराबर कितनी डिग्री है, हाउ मेनी डिग्रीज इज इक्वल टू वन रेडियन। लेकिन हिंदी में क्या लिखा हुआ? एक डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है। हालांकि दोनों को हम कर सकते हैं, हमको बेसिक फार्मूला याद रखना चाहिए, हम यहीं पे लिख सकते हैं, ये हमें लिखने का प्रयास करता हूं मैं। देखिए लिखो, देखिए
आपको याद रखना, आपको याद रखना पाई रेडियन, फॉर्मूला याद रखो, ये पाई है, पाई रेडियन। ऋषभ जी, बराबर ऋषभ जी बोर्ड दिखाई दे रहा किसको सर सी का, लिखा ऋषभ जी है? बोर्ड बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा सर आपका जी, अब पाई दिखाई दे रेडियन रहा है। बराबर 180 डिग्री, 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई। दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा अभी? अब दिखाई दे रहा? हाँ क्लियर है। 180 डिग्री बराबर, दोनों तरफ से कर सकते हैं इसको। रेडियन यहां मैं अंग्रेजी में लिखा हूं, अभी तक मैंने हिंदी में लिखा था। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। ये चार चीजें लिखी हुई हैं, बात एक ही है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, या 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर हम पाई रेडियन से 1 रेडियन निकालना है, तो 180 डिग्री को हम पाई से डिवाइड करेंगे। अगर 180 डिग्री दिया हुआ है बराबर पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री निकालना, तो पाई बटे 180 हो जाएगा। यूनिटरी फॉर्मूला यही कह रहा था कि यदि पाई रेडियन बराबर, यदि क्या हो गया था ना, यदि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, ये बटे ये। यहाँ पर क्या है, 180 डिग्री बराबर, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री कितना होगा, पाई बटे 180। अब यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मेनी डिग्रीज डिग्रीज इज इक्वल टू 1 रेडियन, 1 रेडियन के बराबर कितनी डिग्री होंगी, 180 बटे पाई, 180 बटे पाई। ये डी वाला जवाब होगा, डी जरा ऊपर ले जाने से, डी डी क्या है, इसको जब बंद नहीं होता, इसको हल्का सा खोल दो, बंद कर दो, इसी सर पे टक्कर मार पाएगा, बस इधर खोल दो, ठीक है, समझ में आ गई? ये 180 बटे पाई, सॉरी 180 बटे पाई, ये वाला जवाब आ गया। वजह क्या है, मैंने आपको बता दिया, दोबारा बता रहा हूँ, पाई रेडियन बराबर 180। और यूनिटरी मेथड ही कह रहा है, यदि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, और यदि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 डिग्री, पाई बटे 180 रेडियन, ठीक है। इसका जवाब क्या आ गया, क्या जवाब हो गया आपके सामने, डी। और टाइम कितना हो गया, टाइम 45। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 234, मैंने मैंने आपको बता, बताया था अभी साइन थीटा बराबर क्या बताया था, कोई भी बच्चा अगर अपना उसमें जाके बताया, चैट बॉक्स में जाके, चैट बॉक्स में जाके बताया साइन थीटा मैंने क्या लिखा, साइन थीटा के लिए मैंने क्या लिखा था, लंब बटे कर्ण। यहां पर ये इसको अपोजिट साइड कह रहे हैं, इस एंगल के लिए अपोजिट साइड है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि हम लिख सकते हैं ना, करेक्ट देखिए देखिए मैंने आपको भी क्या बताया था, ये बताया था, जैसे ये है ना, इस एंगल थीटा के लिए, दिखाई दे रहा आपको, इस माना इस एंगल थीटा के लिए ये लंब है, ये आधार है, ये 90 डिग्री है, और ये कर्ण है। तो अब ये कह रहे हैं साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है ना, लंब बटे कर्ण है। अब ये कह रहे हैं लेकिन इस एंगल के लिए अपोजिट साइड है, इसे क्या कह रहे हैं, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। तो इसलिए इन्होंने क्वेश्चन में क्या दे दिया, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई, इन्होंने दे दिया अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटन्यूज, ये जवाब है इसका, ए। इस वाले क्वेश्चन का जवाब ये है, अपोजिट साइड बटे हाइपोटन्यूज, ये वाला जवाब है इसका, ठीक है। और विपरीत भुजा जो कौन सी होती है, इसके लिए जो ना, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए अपोजिट साइड है बटे कर्ण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप निकालेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना भी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 235, अगर आप 235 देखेंगे, तो कॉस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा, कॉस थीटा मैंने क्या बताया था, कॉस थीटा मैंने ऐसे बताया था, इस एंगल थीटा के लिए ये आधार बटे कर्ण,
लेकिन इस एंगल के लिए ये एडजेसेंट है, क्या है एडजेसेंट, एडजेसेंट पता होना चाहिए हमें, तो संलग्न एडजेसेंट कहते हैं जो लगा हुआ है उससे बिल्कुल लगा हुआ है, क्या एडजेसेंट, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या था ये वाला एडजेसेंट, एडजेसेंट को हिंदी में आसन या संलग्न, मान लो एडजेसेंट मतलब बिल्कुल उससे मिला हुआ लगा हुआ है, क्योंकि इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये एडजेसेंट है और ये अपोजिट है और ये कर्ण है, इसलिए इसका आ रहा था ये बटे ये आधार बटे कर्ण या एडजेसेंट बटे हाइपोटेन्यूज, ये वाला इसका जवाब बी है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 236, इसी क्रम में मैंने आपको टेन थीटा क्या बताया था, इसी क्रम में मैंने टेन थीटा आपको बताया था, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा मैंने इस तरह से बताया था, ये एंगल ये है, ये थीटा है, ये मैंने बताया था लंब, यानी कि ए बी सी, क्या बताया था ए बी बटे बी सी, ये लंब बटे ये आधार, लेकिन इसके लिए ये क्या करें, ये इसे इसको हम क्या करें अपोजिट साइड, इस भुजा को अपोजिट साइड और इसको क्या कह रहे हैं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट ये अपोजिट है विपरीत, ये एडजेसेंट है लगी हुई है इस कोण के लिए, इस कोण के लिए लगी हुई है, इसलिए इस क्वेश्चन के जवाब कहां पर आ गया अपोजिट साइड बटे एडजेसेंट साइड, ये वाला इसका जवाब, ये वाला जवाब आ रहा है, इसको हम ये नहीं कह सकते, यहां पर कह सकते थे हम इसे लंब और इसको कह सकते थे हम आधार, ये बात सबकी समझ में आ रही है, कितने बच्चे जुड़ रहे हैं अभी, ये सारे मैंने आपको बता दिए तीनों, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा मैंने आपको बताया था लंब बटे कर्ण, लेकिन यहां पर ये लंब को क्या करें अपोजिट साइड बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या बताया था आधार बटे कर्ण, यहां पर ये आधार को क्या करें एडजेसेंट साइड, और कर्ण बराबर क्या बताया था लंब बटे आधार, लंब को क्या कह रही है अपोजिट साइड, आधार को क्या कह रही है एडजेसेंट साइड, ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना बहुत सिंपल है, यदि साइन थीटा की वैल्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इफ साइन थीटा बराबर 4/5, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को करें, कितने लोग जुड़े हुए इस समय, 70 लोग हैं, बहुत कम है, देखिए इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप लोगों को करना चाहिए, ऐसे करोगे साइन थीटा हमें दिया हुआ है, ये देखिए हर बार बात वहीं से सुनोगे, एंगल थीटा ये है, साइन थीटा कौन सा होगा लंब बटे कर्ण, यानी कि ये कितना 4, ये कितना 5, क्योंकि ये 4/5 है ना, साइन थीटा बराबर 4/5, ये 90 डिग्री है, तो लंब बटे कर्ण 4/5, अगर आप पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो ये जो भुजा ना ये भुजा कितनी आ जाएगी, जरा ये बताओ मुझे ए बी सी, बी सी कितनी होगी, कोई भी बच्चा बताए बताए, मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आ जाएगी, हम लेते हैं सर, देखो बताइए, तीन, संदीप यादव एकदम सही, वेरी गुड, मैंने आपको कुछ पेयर्स भी बताए थे, बता दिए पूरा, मैंने आपको कुछ पेयर्स बताए थे, किस तरह से बताए थे पेयर्स, मैंने आपको मैंने बताया था यदि ये 3 है ये 5 है तो ये 4 होगा, उल्टा भी हो सकता है, ये 4 हो जाए ये 3 हो जाए, 4 का वर्ग इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 बराबर 25, और अगर ये 6 है और ये 8, 6 और 8 तो ये 10 होगा, ठीक है कोई दिक्कत, और अगर ये 9 है ये 12 है ये 9 ये 12 तो ये 15 होगा, 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर 15 का वर्ग, ये कोई याद करने की जरूरत नहीं रखने की, लेकिन मैं ना मोटे फार्मूले बता दे, 9 का वर्ग बराबर 81, 12 का वर्ग 144 बराबर 225, 15 का वर्ग 225 होता है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ गया, यदि टेन थीटा बराबर 4/5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, यदि साइन थीटा बराबर 4/5, ये 4 है ये 5, ये 4 ये 5, ये कितना आ गया 3, और टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार,
4/3, 4/3, ये वाला जवाब आया, ये डी डी ऐसा जवाब डी। इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इफ साइन थीटा बराबर √3/2, √3/2। ठीक है, देखिए मैं यहां पर कुछ आपको जो वैल्यू तो लिख के बताना चाहूंगा, स्क्रीन चाहिए हमको, आधे में दिल दूंगा पूरे में, मैं आपके सामने बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आधा मिल जाएगा, आधा स्क्रीन जी पूरे पूरे में कर दो, आधे आधे में कर दो, नहीं हमको वो चाहिए खाली ये लिखने के लिए। देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए साइन थीटा 0°, 30°, 45°, 60° और 90°, मैं यहीं तक की बात कर रहा हूँ फिलहाल। इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू 1। चेक बॉक्स आ गया, चेक बॉक्स कहाँ पे? अच्छा ठीक है, समझ गया। हाँ समझना कह रही हूँ, sin 60 √3/2। अब मैं इसको बता दे रहा हूँ फार्मूला, cos थीटा निकालने का तरीका क्या होता है, उसको यहाँ से शुरू करते हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा आपको, ये यहाँ से शुरू करके 1, ये 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, ये 1/√2 यही रहेगा, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा, और tan थीटा इसको इससे भाग करते हैं, 0 को 1 से भाग करें तो 0, 1/2 को √3/2 से भाग किया तो 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से भाग किया तो 1, और √3/2 को 1/2 से भाग करेंगे तो ये √3 आ जाएगा, और 1 को अगर 0 से भाग करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। इसी तरह से इनके आगे भी कर सकते हैं, इनका उल्टा करके इसके आधार पर आप निकाल सकते हैं और हम आगे भी जा सकते हैं, जैसे मान लो हमने 120° निकालना तो ये वाला आ जाएगा √3/2, और अगर हमें 135° चाहिए तो ये वाला आ जाएगा 1/√2, अगर हमें 150° चाहिए तो ये वाला आ जाएगा 1/2, अगर हम उसको आगे 180° चाहिए 180° तो ये आ जाएगा 0। बात समझ में आ रही है? थोड़ा इधर हल्का हल्का से इधर हल्का आ जाएगा, हल्का सा समझ गए। इसी तरह से यदि हम cos थीटा में लेना चाह रहे हैं तो ये यहाँ पे क्या आएगा, ये इधर से हम जाएंगे ये 1/2 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस अंदर 1/2 होता माइनस, क्योंकि साइन थीटा में साइन थी ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये इस तरह से होता 0°, 90°, 180° और 270°, और ये 360। तो यहाँ पर पहले वाले में ये प्लस होते हैं साइन कॉस माइनस, तो इसलिए -1/2 -1/√2 ये वाला आएगा, -√3/2 ये इस तरह से आएंगे। ठीक है समझ गए, और टेन थीटा के लिए हम इस तरह से कर लेंगे, हम चाहे तो 180° तक जा सकते हैं, और इनका अगर हम उल्टा कर देंगे जैसे साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा, कोसेक की 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/0 इनफाइनाइट, ये 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का √2, 2/√3/2 का 2/√3, 1 का उल्टा 1, इस तरह से ये वैल्यू भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब आप देख सकते हैं इसके आधार पर साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कहां पर है, साइन थीटा में √3/2 कहां पर है, चैट बॉक्स में लिखो। कृष्ण मोहन कुमार, वाओ नाइस, साइन 90 बराबर बन, वेरी गुड, साइन 45 बराबर 1/√2, साइन 30 बराबर 1/√2 और साइन 60 बराबर, साइन 60 की वैल्यू बता दीजिएगा हमको, यहाँ पर वही चाहिए √3/2, और इस क्वेश्चन का जवाब यही है साइन 60, ये 60° है, 30 थीटा बराबर 60°। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये तो याद आएगा वापस, क्वेश्चन नंबर
कितना होगा बताइए, बताएगा कोई नहीं। वैसे इसको करने का तरीका बिल्कुल सिंपल ही कर सकते हैं, देखिए अगर हम सिंपल तरीके से करें, सिंपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन फोर्टी फाइव इफ साइन फोर्टी फाइव बराबर, देखिए अगर मैं यहाँ लिखूं ये फोर्टी फाइव है, साइन फोर्टी फाइव बराबर कितना है वन अपॉन अंडर रूट टू, इसका मतलब ये कितना साइन फोर्टी फाइव, साइन कितना होता है लंब बटे कर्ण, ये अंडर रूट दो है, ये एक है ये अंडर रूट दो है, इसका मतलब ये कितना होगा, ये भी एक हो जाएगा, एक इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग बराबर ये, तो हमें निकालनी वैल्यू टेन फोर्टी फाइव की, टेन फोर्टी फाइव वैल्यू क्या आएगी लंब बटे आधार एक बटे एक बराबर एक, कितनी वैल्यू आ गई इसकी वन, इसका आंसर दे रखा वन। 239 के जवाब देखो सी जवाब है, सिर्फ सी 239 का आगे विकल्प लगा दिया अगले दिन पर, वो है सी, कितना है सी क्वेश्चन नंबर 239 का नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 240 239 के रिजल्ट 239 की चार विकल्प है और इस क्वेश्चन का जवाब है वन, ये जवाब ये बताता है यदि साइन 45 बराबर एक बटे अंडर रूट दो है तो कॉस 45 भी वन अपॉन अंडर रूट टू होता है, मैंने आपको टेबल में दिखाया था, और टेन 45 कितना होगा वन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 240, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 इफ कॉस 30 इक्वल टू अंडर रूट 3 बटे 2, बताइए साइन 30 का मान कितना होगा यदि कॉस 30 बराबर अंडर रूट 3 बटे 2, देखिए बिल्कुल सिंपल, ये क्या कह रहे हैं, क्या निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 यदि कॉस 30 बराबर अंडर रूट 3 बटे 2, कॉस ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ए बी सी ये लंब है, लंब है ये आधार है और ये कर्ण, क्या दिया हुआ हमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहां पे कितना देखा हमें अंडर रूट 3 बटे 2, तो आधार कितना हो गया अंडर रूट 3 और कर्ण कितना हो गया 2, तो ये कितना आ जाएगा लंब इसका 2 का वर्ग माइनस इसका वर्ग, 2 का वर्ग कितना होगा 4 माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग कितना आएगा 3, 4 में से 3 गया 1, ये 1 आ गया 1, ये 1 है, ये अंडर रूट 3 है और ये 2 है, लंब कितना है लंब बराबर 1, आधार कितना अंडर रूट 3, कर्ण कितना है 2। अब हमको क्या निकालना है साइन 30, साइन के लिए हमें क्या चाहिए लंब बटे कर्ण एक बटे दो, क्या रहेगा एक बटे दो, इसका जवाब क्या है एक बटे दो, ये बता इसका जवाब बी है एक बटे दो है इसका जवाब, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 241 में आपको तीन इक्वेशन बनाई थी, व्हाट इज द वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता, मैं चाहता हूँ कि चैट बॉक्स में जाकर सभी लिखा, मैंने तीन फार्मूले लिखवाए थे चैट बॉक्स में लिखो, मैंने तीन फार्मूले लिखवाए थे, संदीप आपका जवाब एकदम सही है, मैं आपके जवाब नहीं दे पा रहा, दो सौ चालीस नंबर क्वेश्चन का डी नहीं था, क्वेश्चन का डी है जवाब संजना, और निर्भीक सिंह का जवाब साइन थर्टी बराबर एक बटे दो। क्वेश्चन नंबर बताना चाहते हैं ये वाला जो है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होना चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा, मैंने आपको तीन फार्मूले लिखवाए थे, दोबारा लिख रहा हूँ बोर्ड पर, ठीक
तीन फार्मूले मैंने लिखे थे, वो दोबारा से बोर्ड पे लिख रहा हूँ। एक लिखा था मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, दूसरा लिखा था कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तीसरा लिखा था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीन फार्मूले हैं ये, इसमें से जो है ये क्या है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये पूछना है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये आंसर आ गया इसका, इसका जवाब बी है। क्वेश्चन नंबर 241 का जवाब क्या है, बी। ये रुक गया क्या क्या, क्वेश्चन नंबर 241 का जवाब क्या आ गया, बी। और क्वेश्चन नंबर 242 243 244 245 246 और 247 जो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये सब टेन थीटा के आधार पर है। मैं आपको बता ही देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर निकाल लीजिए, कौन सा क्वेश्चन है जहां पर सी डी वगैरह की कुछ काम ही नहीं है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे उधर का। देखिए यहाँ पे छोड़ दो, देखिए जैसे कुछ क्वेश्चन कैसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, ये मकान है, ये जमीन है, जमीन अर्थ है, ये जमीन, तो ये क्या कह रहे हैं सी डी लगाई हमने, सी डी सी डी ऐसे लगा रखी है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल ये होगी ये दीवार की ऊंचाई, व्हाट इज द हाइट ऑफ द वॉल वेयर द लैडर, लैडर ये सी डी है, ये सी डी, सी डी को हिंदी में क्या कहते हैं लैडर, अंग्रेजी में ये लैडर है वॉल, इफ द लैडर इज 2.5, ये लैडर कितना 2.5, व्हाट इज द हाइट ऑफ द, ये हाइट हमें निकालनी है, ये एक्स है, वेयर द लैडर टचेस द, व्हाट इज द हाइट ऑफ द वॉल वेयर द लैडर टचेस द वॉल इफ द लैडर इज 2.5 मीटर लॉन्ग एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये कितना 60 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 2.5 मीटर है, सीढ़ी क्या है, ये क्या हमारा कर्ण, ये 2.5 मीटर है, दीवार के साथ भूमि पर, भूमि पर 60 डिग्री का कोण बना दी, ये 60 डिग्री है, तो हमको क्या बताना है दीवार की ऊंचाई बतानी है, यानी कि ये एक्स बटे ये एक्स बटे ये क्या होगा, एक्स बटे हमें ये मालूम दे रखा ना एक्स, ये लंब है बटे कर्ण, एक्स बटे 2.5 बराबर क्या आ जाएगा साइन थीटा साइन 60 डिग्री, एक्स बराबर 2.5 गुणा साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट 3/2, इनको कर दो सबको गुणा करो, अंडर रूट 2.5 गुणा अंडर रूट 3 की वैल्यू लिख दो 1.732 बटे 2, ये आपका जवाब आ जाएगा। हमने साइन थीटा को लिया क्योंकि हमको लंब मालूम करना है और दिया गया है सीडी की लंबाई, सीडी की लंबाई हमको मालूम है, तो यहां पे साइन 60 की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, तो इसको दोनों को गुणा करो 2.5 आप करो 2.5 गुणा करोगे यहां पे कैलकुलेटर 2.5 गुणा 1.732 2.5 मल्टीप्लाइड बाय गुणा 1.732 डिवाइडेड बाय 2 2.165 टू पॉइंट, ये सी जवाब है इसका, आंसर इसके आंसर निकालिए, इसके क्वेश्चन नंबर 242 के जवाब निकालो, ये वाला 2.165 ये देख रहे हो, ये वाला जवाब आ गया, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, नेक्स्ट क्वेश्चन 243 नंबर लगा दी, 243 नंबर क्या, व्हाट इज द हाइट ऑफ एसी, यहां पे हमें ये निकालना, सॉरी हमको ये निकालना है, देखिए ये हमें मालूम करना है ये कितना है
व्हाट इज द हाइट ऑफ एसी, एसी की ऊंचाई क्या है, ये 100 मीटर है और ये क्या लिखा हुआ है, ये कितनी डिग्री है, ये दिखाई दे रहा कितना, ये नहीं दिखाई दे रहा क्या लिखा है, ये 60 डिग्री है, ये कितना 60 है, बराबर ये लंब बटे आधार क्या होगा, 10 60 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3, एक्स बटे 100 बराबर अंडर रूट 3, या एक्स बराबर 100 गुणा अंडर रूट 3, 100 गुणा अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो 173.2, ये वाला सी, इसका जवाब सी है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस में यदि हमको लंबाई, मतलब जब हमको अगर दीवार की ऊंचाई मालूम है तो आधार हो गया, और सड़क की अगर हम नीचे का मालूम, जैसे यहां पे नीचे, तो लंब, कर्ण और आधार में से अगर हमें तीन चीजों में से जो भी दो चीज मालूम होंगी तो हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यार 12:10 हो चुके हैं, 244 आपको करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि भवन की ऊंचाई माने लंब, सीढ़ी दीवार से 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो 45 डिग्री हो गया, और भवन से इतनी दूरी पर है तो आधार, यानी ये इस तरह का क्वेश्चन हो गए। देखिए इस तरह से है, हमको यहां पे ये दे रखा है दूरी, ये 16 मीटर है और ये 45 डिग्री है, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग ये हमें निकालना है एक्स, हमको लंब और ये आधार, बिल्कुल सिंपल है ये, 10 45 लंब बटे आधार 10 45 बराबर एक्स बटे 16, एक्स बटे 16 और 10 45 की वैल्यू कितनी थी 1, एक्स बटे 16 बराबर एक्स बराबर 16, ये जवाब आ गया इसका बी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 245 नंबर बिल्कुल सिंपल है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस ऑफ 15 मीटर हाइट सीन एट ए 15 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको बता देना चाहिए तुरंत, कौन कौन बताएंगे, और अब आपके सामने जवाब भी आने शुरू हो गए, सामने आंसर ही आ गया सामने। देखिए इसमें एकदम सिंपल है, ये भी 15 है, ये 15 मीटर है और ये भी 15 मीटर है, ये लंब है और ये आधार है, ये एंगल निकालना थीटा, 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार 15/15 बराबर 1, और 10 30 में किस की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री, क्योंकि 10 45 बराबर 1, इसलिए थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 246, एंगल थीटा निकाल 100 √3/100, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ भी हो नहीं सकता, ये क्या है लंब बटे आधार, लंब कितना है 100 √3 डिवाइडेड बाई आधार कितना है 100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया √3, और ये 10 है, ये 10 थीटा है, ये थीटा एंगल है, 10 थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है बताइए, कोई भी बताए, मैंने आपको बताया था ना 10 थीटा में किस तरह बताया था, सबसे पहले मैंने बताया था 10 थीटा बराबर 10 0 बराबर 0, फिर 1/√3 30 के लिए और 45 के लिए 1, 60 के लिए √3
तो ये अंडर रूट तीन, ये थीटा बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। इसका जवाब क्या है, 60, ये वाला सी आंसर है इसका। और क्वेश्चन नंबर 247 इस चैप्टर का लास्ट चैप्टर है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी, ये एंगल, व्हाट इज द टर्म फॉर द ऑब्जेक्ट सीन हायर देन आई लेवल, आंख की सतह से ऊपर देखने के लिए क्या टर्म है, इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण कहते हैं। यदि हम आंख से नीचे की तरफ देखते हैं उसको हम अवनमन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इंक्लिनेशन झुकाव का कोण होता है, और घर्षण कोण हम घर्षण में बताएंगे, सेकेंड ईयर में वो आएगा, वहां पर हम इसकी चर्चा नहीं करना चाहते। ये लास्ट क्वेश्चन था, आपने सारे क्वेश्चन देख लिए, मैंने पिछले चैप्टर के भी सारे क्वेश्चन आज करा दिए आपको, 10 मॉड्यूल नंबर 9 के और मॉड्यूल नंबर 10 के भी। कितने बच्चे जुड़े हुए हैं इस समय, बच्चों की संख्या बहुत चिंता का विषय मेरे लिए रहती है, हालांकि हमारी टीचर्स उसको उतने सीरियसली लेना चाहिए उनको सीरियसली। ये आपकी समझ में आ गया, इसका जवाब था क्वेश्चन नंबर 247 का जवाब सी है, यहाँ पे आंसर भी आपके सामने लिखे हुए हैं इधर, 247 का जवाब सी, एंगल ऑफ एलिवेशन। और उससे पहले पहले वाले क्वेश्चन का जवाब था वो भी सी था, 60 डिग्री, 246 में अगर आप इधर देखेंगे 246 का जवाब भी सी है, ठीक है, ओके। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे।